इन्हें सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूं। आज के इस धरने के समारोह में जो उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति जमाति का प्रतिबंधक कानून कमजोर किया है, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन यहां हो रहा है, उस प्रदर्शन के प्रमुख अतिथि एवं दलित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय माकन जी मंच पर विराजमान, सभी हमारे बीच अभी अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के इंचार्ज आदरणीय सांसद पीएल पुनिया जी उपस्थित हुए हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। दोस्तों, यह प्रदर्शन प्रदर्शन दलित समाज को हमारे दिवंगत पत्रकार राजीव गांधी जी के जमाने में उनकी सरकार ने दिलाया था, वह अनुसूचित जाति जमाति प्रतिबंधक कानून, उसके बारे में जो निर्देश लाया और जो लोग दलितों का उत्पीड़न करते हैं, दलितों पे अत्याचार करते हैं, ऐसे पीड़ित लोगों को पीड़ित बनाने वाले गुनहगारों को सजा जिस कानून के तहत मिल रही थी, जिसके तहत उनको अरेस्ट किया जाता था, आज कह दिया कि उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि यह सरकार, मोदी जी की सरकार, दलितों के खिलाफ है, दलितों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। ये जब से आए हैं तब से हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप बंद हो गई, उनकी फ्रीशिप बंद हो गई, ना उनको रोजगार मिल रहा है और आज सुरक्षा की भी बात खड़ी हो गई है। इस देश के अंदर कांग्रेस के 70 साल के राज में जो दलित अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था, जो शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, जो अधिकारी पदों पर जा रहा था, उसको रोकने का काम यह मोदी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ यह होना नहीं चाहिए। आकर प्रदर्शन किया और यह दिखा दिया कि दलितों के ताकत को आप बिल्कुल कमजोर मत समझिए। दलितों की ताकत अगर इस देश में संगठित होगी तो आपकी सरकार को नीचे खींच लेगी, आप ये समझ लीजिए। यह इशारा कल याद दिया गया, कुछ हमारे साथी उसमें मारे गए, मैं उनको अभिवादन करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर दलितों के सम्मान में शहीदी स्वीकार की है। ऐसे तमाम साथियों को मैं सैल्यूट करता हूँ, पुनः एक बार आपको आह्वान करता हूँ कि आप सब अगर अपनी ताकत को लेके अजय माकन जी के नेतृत्व में एक अच्छा युवा नेतृत्व, एक अच्छा प्रबल शक्तिशाली नेतृत्व आपके दिल्ली को